नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों आप देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11, ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल है जिसमें बोला गया है दो लैंप्स हैं, दोनों की रेटिंग इक्वल है। देखिए दोनों की रेटिंग इक्वल है, वोल्टेज 240 है और पावर 60 वाट है दोनों बल्ब में, और इसको 240 वोल्ट की ही मेन सप्लाई दी जा रही है, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया गया। तो पूछा जा रहा है क्या इसकी चमक में कोई फर्क आएगा। हमें थ्योरेटिकली नहीं देखना है, हमें लॉजिकली न्यूमेरिकल वे में चेक करना है कि क्या चमक में फर्क आएगा कि नहीं आएगा। तो चमक में फर्क तब आएगा जब करंट में फर्क आ जाए। अब दो सिचुएशंस आती हैं यहां पर। पहली आती है कि ये कनेक्शन के पहले और बाद में कनेक्शन हो जाने के बाद क्या सिचुएशन होगी। तो देखिए सबसे पहले तो हम इनकी रेजिस्टेंस निकाल लें, वो तो फिक्स होगी, तो क्योंकि दोनों सेम रेटिंग के हैं तो दोनों की रेजिस्टेंस सेम होगी। तो पहले रेजिस्टेंस निकाली, रेजिस्टेंस इन ईच बल्ब या लैंप, PR is equal to V square by P लगा दिया क्योंकि जो गिवन सिचुएशन थी, तो 240 square upon 60 किया तो 960 ओम हर एक बल्ब की रेजिस्टेंस आ गई। अब अभी कनेक्शन नहीं बनाया है, देखिए ध्यान से समझिएगा, वी हैव नॉट मेड द कनेक्शन, तो हर एक बल्ब कितनी करंट कंज्यूम करेगा अपनी वर्किंग के लिए वो निकाल लें। तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट होता है, तो करंट इज इक्वल टू पावर इनटू वोल्टेज। तो करंट रिक्वायर्ड इन द ईच लैंप व्हेन नॉट कनेक्टेड, ये ध्यान से समझिएगा पॉइंट। तो करंट आएगी 60/240 यानी कि 0.25 एम्पियर, तो अकॉर्डिंग टू देयर रेटिंग ऑफ द लैंप। जैसा कि हम जानते हैं रेटिंग अगर हमको पता हो पावर और वोल्टेज, तो हम करंट रिक्वायर्ड और रेजिस्टेंस कितनी है ये निकाल सकते हैं। ये दोनों हमने निकाल लिया, रेजिस्टेंस आई 960 और करंट 0.25। लेकिन ये तब की सिचुएशन है जब अभी बल्ब को कनेक्ट नहीं किया। अब हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया सीरीज में। जब हमने सीरीज में जोड़ दिया तो टोटल रेजिस्टेंस तो ज्यादा हो जाएगी ना, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, प्लस कर दीजिए तो 960 प्लस 960 यानी 1920 ओम टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी इस कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन इन सीरीज की। अब जब रेजिस्टेंस हो गई 1920, तो पूरा जो करंट का ऑफर होगा 240 के पोटेंशियल डिफरेंस पे, उसमें क्या होगा, करंट तो अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस 1920 के रिस्पेक्ट में फ्लो करेगी ना। तो जरा इस कंडीशन में हम करंट निकालें इन ईच बल्ब व्हेन दे आर कनेक्टेड। तो V इज इक्वल टू IR लगाया, ओम्स लॉ फॉलो होगा और I इज इक्वल टू V/R। तो वैल्यू रख दीजिए 240/, देखिए रेजिस्टेंस कितनी लेंगे अब 1920, क्योंकि दोनों को कनेक्ट किया जा चुका है। पहली सिचुएशन तब की थी जब कनेक्ट नहीं किया था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो आप देखेंगे 0.125 एम्पियर, यानी जितनी पहले करंट थी उससे कम हो गई, देखिए 0.125 एम्पियर हो गई। तो क्योंकि यहां पर करंट आधी हो गई ना, 0.25 का आधा होता है 0.125, तो करंट आधी हो गई। तो जो हीटिंग इफेक्ट है आई स्क्वायर आरटी का रिलेशन उसमें आई स्क्वायर में है, तो हीटिंग इफेक्ट तो 1/4 हो जाएगा, चमक खत्म हो जाएगी यानी कि चमक कम हो जाएगी। तो जो पहले बल्ब जितनी जोर से जलता था अब उससे चमक कम हो जाएगी। हमारा कंक्लूजन भी आ गया और हमने मैथमेटिकली आंसर भी निकाल लिया।